क्या हाल है मेहरून साहब की, क्या आ गया? कल के अकबर का एहसान है, कायम आले मोहम्मद का शुक्र। इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हुई माशाल्लाह से, क्या चेंजिंग आई कुछ आपने? बल्कि हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जो अब उन्होंने प्रोग्राम देखना शुरू किया केटू साहब, उनको जरूर बताएं कि जो पत्थरों के असरात हैं वो किस तरीके से उनके ऊपर जो है वो कभी कभी मनफी भी हो सकते हैं, और ये बताएं कि आप जो स्पेशलाइजेशन है वो, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रा और पता लग जाए, जो नए वाले व्यूअर्स हैं उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशी खान, एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके शो का कि मेरे ख्याल मैंने समा पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, डॉन पे किए, बहुत सारे चैनल्स पे किए, लेकिन जो अपनाइयत मुझे यहाँ अगर मिलती है ना वो और कहीं नहीं मिलती। एक तो यहाँ पर मुझे खुलकर बोलने का मौका मिलता है, हर शख्स के अपने व्यूज होते हैं, अपने रिमार्क्स होते हैं, सब कुछ है। जाहिरात की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो नाम से या डेट ऑफ बर्थ से, आपके बुर्ज से, आपके स्टार से, आपके स्टोन वगैरह बताते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर जब इसको समझा पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो आपकी नेचर तक तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं एज ए इनको मेडिसन्स लेता हूँ, और चूंकि शख्सियत पे नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ का नहीं उसके नाम का होता है, तो शख्सियत के ऊपर जो उसके असरात आते हैं मैं उस नाम के हिसाब से मुनासबत से देखता हूँ कि इसमें खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं, और उन्हीं बिना पर मैं ये फैसला करता हूँ कि अब इस शख्स को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। सही। ऐसा नहीं है कि तारे के हिसाब से आप एक ही स्टोन होता है, नहीं, मेडिसिन्स हैं। जब इंसान को जो बीमारी होगी वो मेडिसिन यूज करेगा। बिल्कुल। यानी आपको बुखार है तो आप बुखार की मेडिसिन यूज करें, आपको अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द की शुरू करें, आपको जो बीमारी है उसके मुताबिक मेडिसिन लें। सही। तो हर इंसान हर स्टोन पहन सकता है बशर्तिया के उसके जिस्म में उस चीज की डेफिशिएंसी मौजूद हो। अच्छा, ओके, ऐसा भी है? 100% ऐसा ही है। तो ये कैसे पता लगेगा, मतलब आपसे आप उसका कोई हिसाब निकालते हैं? जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, क्योंकि इस वक्त जो है पत्थरों की दुनिया के अंदर, जवाहरात के अंदर इस वक्त एक वाहिद इल्म यूज हो रहा है जिसको इल्मे नजूम कहा जाता है। ठीक। कि इसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपके जो है आपका सितारा कौन सा है, बुर्ज कौन सा है, तो जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है उनके लिए तो ये इल्म वैसे ही फेल हो गया। ठीक है। तो लेकिन एक चीज जिसके बारे में अहादीस है वो ये है कि वालदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया ये है कि वो अपने बच्चों का बामायनी और बामकसद नाम रखें। बामायनी? बामायनी, बामकसद नाम। बामकसद नाम, तो वो कैसे? क्यों लोग अपनी चॉइस से भी नाजी नाजी फलाने का नाम पसंद है वो रख लेते हैं? इसी वजह से आपकी शख्सियत पर जो असर है वो आपके नाम का है। ठीक है। तकरीबन 60% जो असर है वो आपके नाम का है। सही है। 20% आपकी मौरूसियत है, यानी वरासत में जो चीजें आपको मिल रही है, और 20% वो हालात है जिनके अंदर आप तरबियत पाते हैं। ठीक है। लाइक एक शख्स है मोहम्मद उस्मान जी, अगर वो इस्लामाबाद में पैदा होगा और इस्लामाबाद के किसी अच्छे फेस के अंदर पढ़े लिखेगा तो उसकी कैपेबिलिटीज मुख्तलिफ होंगी बनिस्बत मोहम्मद उस्मान जो चीसू की मलिया में या टोबा टेक सिंह के अंदर पैदा हुआ एक छोटे से गाँव में। ठीक है। क्योंकि माहौल और एनवायरमेंट जो है ये बहुत ज्यादा तब्दील कर देती है इंसान, तब्दील कर देती है। सही कह रहे हैं। ऐसे ही है जैसे कोई भी वालदैन ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों की वो जो तरबियत गलत करें। सही। हर वालिद का मकसद ये होता है कि अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन करें। ठीक है। और मेरे ख्याल कायनात में सबसे बेहतरीन वालदैन मेरे ख्याल अंबिया हो सकते हैं। बेशक बेशक बेशक, अंबिया से बेहतरीन तरबियत तो कोई नहीं कर सकता। सही। तो क्या वजह हुई कि काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया? हाँ। क्या वजह हुई कि हजरत याकूब के बेटों ने अपने भाई को कुएं में फेंका? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इट्स मीन दैट कि उनकी तरबियत में फर्क नहीं था, लेकिन हालात और वाकयात जिन माहौलों में उन्होंने प्रवेश पाई वहां के लोगों ने जो उनके जहनों में डाला उसके साथ उन्होंने जो अपने जहन में सोचा या समझा वो उसके मुताबिक फैसला किया, क्योंकि रब्बे बारी ताला बहुत रहमान और करीम होने के साथ साथ आदिल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। उसने बंदे की जिंदगी में ये नहीं लिखा कि तू गुनाहगार बनेगा तू नेक बनेगा। बिल्कुल। उसने तो कहा जो तुम करोगे वो उसका तुमसे मैं हिसाब लूंगा। तो हिसाब किताब हमसे हमारे अक्ल के मुताबिक जो हम फैसले करते हैं चाहे अच्छा या बुरा फैसला हम करते हैं। फैसला हम लोग खुद करते हैं, फिर उसके जिम्मेदार भी हम लोग खुद ही होते हैं। बेशक ऐसे ही है, बेशक।